नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं नवीन कुमार आपका एक बार फिर से डिवाइन स्टोरी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा सफ़र शुरू हो चुका है बाबा बद्रीनाथ धाम और बाबा केदारनाथ धाम की तरफ। और अभी हम गए थे 6 मई को, जब बाबा के कपाट खुले थे। 8 मई को पहुंचे थे बद्रीनाथ धाम और एक बार फिर से हम पहुंच रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम में। और आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे वहाँ से कि क्या इस समय यात्रा का हाल है और कैसे यात्रा चल रही है, कितने यात्री पहुँच रहे हैं, कैसे ई पास बनवाएं ऑफलाइन, क्या व्यवस्था कर रही है इस बार सरकार दर्शनों के लिए। तो काफ़ी सारे जो है डाउट्स हैं जो हम लोग लाइव जाकर वहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे। और जो है काफ़ी जो है नेगेटिव न्यूज़ बाबा केदारनाथ धाम से आ रही हैं कि कई सारी वहाँ जो है मिसहैपनिंग हो चुकी हैं। और प्रशासन की अभी क्या वहाँ लेटेस्ट जो है बंदोबस्त किया है यात्रियों के दर्शन कराने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमारे लगातार जो है मित्रगण हमारे साथी जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूट्यूब पर जो है प्रॉपर न्यूज़ उनको नहीं मिल पा रही थी। ज़्यादातर न्यूज़ जो है वो नेगेटिव आ रही हैं, तो इसीलिए हमने प्लान किया है कि हम लोग जो है वहाँ जाकर आपको प्रॉपर दिखाएं कि कैसे इस समय अपडेट है, क्या यात्रा का शेड्यूल चल रहा है, कैसे यात्रा हो रही है। तो इसलिए जो है अभी हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है यहाँ सोनीपत से, और हम सफ़र करके पहुँचेंगे हरिद्वार में। रात को हम वहीं हरिद्वार में स्टे करने वाले हैं और सुबह वहाँ से निकलेंगे केदार बाबा के धाम। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आने वाली चार धाम यात्रा यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री केदार।